नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। मंत्री ब्रजेंद्र सिंह द्वारा मिड डे मील पर शिक्षा मंत्री को पत्र लिखे जाने के बाद अब सियासत शुरू हो गई है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह का बयान सामने आया। अजय सिंह ने कहा कि इस सरकार से ज्यादा भ्रष्टाचार किसी सरकार में नहीं हुआ। भ्रष्टाचार की लंबी फेरिस्त तैयार, व्यापम घोटाले से लेकर जाने कितने घोटाले सरकार में हो चुके हैं। शिवराज सिंह चौहान को है राजयोग, जब तक शिवराज सिंह को राजयोग है तब तक हम भ्रष्टाचार की बात ही करते रहेंगे। झाबुआ एसपी को हटाए जाने पर अजय सिंह ने कहा कि घटना के बाद उस तरीके के एक्शन से ज्यादा अच्छा है कि मुख्यमंत्री का इतना खुश हो कि ऐसी घटना ही ना हो। हेमंत कटारे के सोशल मीडिया पर ट्वीट करने को लेकर अजय सिंह ने कहा, कटारे को अपने बात सोशल मीडिया के बजाय कमलनाथ से करनी चाहिए थी। कमलनाथ के खिलाफ विरोध के स्वर उठने की बात बेबुनियाद, कमलनाथ के जिसको जाना है चले जाए वाले बयान पर अजय सिंह ने कहा, उनको उन्होंने किस संदर्भ में कहा, किस समय कहा, क्यों कहा, यह भी जानना जरूरी। कोशिश ये होनी चाहिए कि कोई पार्टी छोड़कर ना जाए। कांग्रेस पार्टी को हर नेता की अभी है आवश्यकता। अरुणोदय चौबे को लेकर बोले पूर्व नेता प्रतिपक्ष, उनके ऊपर कई मामले चल रहे थे, दबाव में हो सकता है, उन्होंने इस्तीफा दिया। मंत्री ब्रजेंद्र सिंह के मुख्यमंत्री पत्र लिखने पर अजय सिंह ने कहा, जब मंत्री ही पत्र लिख रहे हैं तो फिर मामला निश्चित तौर से गोलमाल वाला मामला है। जिस विभाग से जुड़ा विभाग मुख्यमंत्री के पास है वहां इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है। भोपाल से संवाददाता आदिल खान की रिपोर्ट। देखिए, एक चीज स्पष्ट है, इस सरकार से ज्यादा भ्रष्टाचार किसी सरकार में हुआ नहीं, और एक लंबी लिस्ट है व्यापम से लेके पता नहीं कितने हो चुके हैं, लेकिन राजयोग्य शिवराज सिंह जी को है और जब तक राजयोग रहेगा तब तक आप भ्रष्टाचार की बात करते रहेंगे, कोई विषय उसमें उठने वाला नहीं। घटना के बाद यदि कोई मुख्यमंत्री सख्त हो तो वो उचित नहीं है। मुख्यमंत्री का इतना खौफ होना चाहिए कि इस तरह की घटनाएं ना हो और प्रशासन चुस्त दुरुस्त रहे। नहीं, उनने किस संदर्भ में कहा मुझे नहीं मालूम, मैं था नहीं, लेकिन कांग्रेस को मजबूत करने के लिए हर नेता की आवश्यकता है। हमारे ख्याल से अग्रवाल साहब उस दिशा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। सर, लेकिन विरोध के स्वर लगातार उठ रहे हैं क्योंकि अरुणोदय चौबे ने इस्तीफा दिया, उसके बाद हेमंत कटारे अपनी नाराजगी सोशल मीडिया में जाहिर करते हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि कमलनाथ के खिलाफ आप विरोध के स्वर उठते हुए नजर आ रहे हैं? चौबे जी का प्रकरण दूसरा है, उनके पहले भी बढ़ोत मुकदमे थे, हालत नाजुक है। किस संदर्भ में उन्होंने इस्तीफा दिया अभी आप सब लोग स्वयं जानते हैं। गनीमत है यहाँ पर अभी वो दो एजेंसियां ज्यादा काम नहीं कर रही हैं जो और प्रांतों में कर रही है। अब इनके इस विवाद पर मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ किसने क्या लिखा है। नरोत्तम मिश्रा जी को तो खबर में रहने की एक चेष्टा रहती है, उसके लिए कुछ भी कह सकते हैं। कमलनाथ जी ने कहा कि जो जाना चाहते हैं उनको हम खुद गाड़ी देंगे भाई। किस संदर्भ में कमलनाथ जी ने किस जगह और किस समय कहा ये मुझे जानकारी है नहीं, मैं बाहर था, लेकिन किसी को भी जाने न दिया जाए ये प्रयास होना चाहिए, छोड़ने के समय नहीं है। लेकिन कटारे जी ने व्यक्ति विशेष के लिए सोशल मीडिया में बात रखी है और मेरे ख्याल से सोशल मीडिया की जगह यदि खुद ही कमलनाथ जी से कह देते कि एक ओबीसी नेता का भी चयन हो जाए, मेरे ख्याल से उचित होता। अब इन दो प्रकरणों को लेकर ये सवाल खड़ा करना कि कमलनाथ जी के खिलाफ कोई आवाज उठ रही हो, ये मुझे नहीं लगता ठीक है। मिड डे मील का मामला आया है, 6 महीने से बटा रही है मंत्री ने पत्र लिखा। विजयन सिंह जी ने पत्र लिखा है पन्ना जिले के,
जब मंत्री ही लिख रहा है तो साफ साबित होता है कि इसमें कोई ना कोई घपला है। जिस विभाग के मुखिया मुख्यमंत्री खुद हों और जिनके इतने सालों से भांजे भांजियों की बात करते हों, यदि उन्हीं की हालत ये है तो औरों की क्या होगी, ये आप समझ सकते हैं। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहिए न्यूज़ 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।